सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके इंस्टाग्राम पर कोई डीएम डिलीट हो जाता है, उसको अगर आपको रिकवर करना है तो कैसे रिकवर कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आपको अपनी प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर आपको तीन लाइन के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग के अंदर आना है। और जैसे आप सेटिंग के अंदर आते हो, फिर सिक्योरिटी के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद फिर अब आपको क्या करना है, डाउनलोड डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिखाया जाएगा। इस ईमेल आईडी पर जो कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको जो कि एक मेल भेजा जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपका डाटा वगैरह रहेगा, फोटो वीडियो जो भी, कमेंट वगैरह जो भी, सारा कुछ आपका इसमें रहेगा, चैट वगैरह, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक अपना पासवर्ड डालना होगा, जो इस अकाउंट का पासवर्ड है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड डाला, फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। और यहाँ पर भी मेरा जो है कि 48 घंटे के बाद जो कि मेरे को, मतलब मैं पहले ही इसमें एक बार अप्लाई कर चुका हूँ, मतलब उस ईमेल से, तो अभी ये बोला कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप दोबारा से इसमें रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट भेज दी है डाउनलोड डाटा की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरे को बताया जा रहा है, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट अदर डाउनलोड। अभी आपको मेरे को अदर डाउनलोड की कोई रिक्वेस्ट नहीं देना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 48 घंटे के बाद मेरे को जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं जो कि दोबारा उसमें रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सेम इसी तरीके से आप रिक्वेस्ट जब डालोगे तो आपको मेल में आपका सारा कुछ वापस आ जाएगा, जितना भी आपका डाटा था। तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाला था रिक्वेस्ट के लिए, आपको उस पर किस तरीके से मेल आएगा आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट, और उसके बाद आपको क्रोम पे इसको ओपन करना है, ठीक है। जैसे क्रोम पे ओपन करोगे, फिर यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप पासवर्ड डाल देना अपना। जैसे आप अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालते हो, उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा, तो अब आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, जो आपका फाइल मैनेजर है इसके अंदर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद जिप्स का ऑप्शन मिलता है, जी फाइल्स का, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलती है ये फाइल, तो आप इसकी यूज़र नेम, इसका जो नेम होता है रीनेम, इसके नाम से आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हो। अब आपको जी फाइल्स के अंदर आना होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर मेरी फाइल डाउनलोड हुई है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से आएगा, तो अब आपको डीकॉम्प्रेस कर देना है इसको, यहाँ से इसको डीकॉम्प्रेस इसको कर लेना है और आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हो, आपका डीकॉम्प्रेस हो जाएगा और आपकी जो भी फोटो वीडियो या फिर जो भी चैट वगैरह था, वो सब कुछ आपको वापस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका जो भी चैट वगैरह डिलीट हुआ होगा वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मैसेजेस के अंदर आओगे तो आपको मैसेजेस के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इनबॉक्स में। आप देख सकते हो सब फोर सब का इस तरीके से मेरे पर जो मैसेज वगैरह आए थे वो सब मेरे को यहाँ पर मिलेंगे। ओपन करने के लिए आपको क्रोम को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, जब आप इसको मैसेजेस का पढ़ोगे तो यहाँ पर मैं दोबारा से दूसरी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको किसी किसी फाइल में एरर कुछ शो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं कोई दूसरा ओपन करता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ क्रोम पे। आप देख सकते हो ये हमारा चैट खुल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसने आरजी टेक्निकल बॉय मुझे लिख के भेजा था, और उसका नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, डेट एंड टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग आपको मैसेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। जिसका भी आपको मैसेज देखना हो, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर क्रोम सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो कि कुछ इस तरीके से क्रोम में आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हेलो ब्रो लिख के आया था मेरे को इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर ये सब चैट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आपको फोटोज़ देखना है तो आपको यहाँ पर फोटोज़ को भी देखने के लिए देखने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप आओगे तो आपको मीडिया का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टोरी पोस्ट इस सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो भी मेरी पोस्ट हुई थी वो सारी पोस्ट भी मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जो मेरी आईडी से डिलीट हो चुकी थी परमानेंट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना।